मेरी तकलीफें समझ नहीं रहे हैं और बार बार मुझे और मेरे बच्चे को मारने की धमकी दे रहे हैं और बार बार यही कह रहे हैं कि तू और तेरा बच्चा जिंदा नहीं बचेगा अगर तूने पैसे नहीं दिए तो। मैं इन लोगों के कच्चे कारोबार का पूरा पूरा चिट्ठा लिख के जा रहा हूँ। ये लोग पूरा माल बाहर कस्टम से चुरा के लाते हैं या टैक्स चोरी करके बेचते हैं। इनकी कई जगह सेटिंग है, अगर कोई छापा पड़ता है तो इनको पहले खबर पड़ जाती है। 22/2024 को तकरीबन 1 से 1:15 बजे के करीब हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि एक चूब नाम का बंदा है, उसने घर पे फांसी लगा ली है। वैसे हम पूरे स्टाफ के साथ वहाँ पहुँचे, वहाँ बारीकी से जब पहले उनको उतार के फिर हॉस्पिटल ले गए और वो जो जगह की जाँच किया तो वहाँ पे हमें एक सुसाइड नोट और डॉक्टर जब उनको मृत घोषित कर दिए तो सुसाइड नोट में कुछ सुपारी व्यापारी है जो कि उसके बच्चे के उनका जो लड़का है उसके साथ में कुछ लोग व्यापार करते थे और व्यापार का कुछ लेन देन था और वो लेन देन के ऊपर से पैसा नहीं दे रहे हैं या फिर कुछ व्यवहार में ये होने के कारण उसने मानसिक तनाव में आकर इन्होंने फांसी लगा ली। इस कारण से ये व्यापारी ने जो इनको मानसिक टॉर्चर किया और धमकियां दी, इस कारण से इनके ऊपर गुनाह दाखिल करो। ऐसे फिरियादी जी को फिरियादी की मृतक की जो पत्नी है उन्होंने यहाँ पे फिरियाद देने के ऊपर से इनके ऊपर जो व्यापारी आरोपी है इनके ऊपर 306 के तहत हमने मामला दर्ज कर लिया है। नागपुर के सुपारी व्यवसायी भोला चुग की आत्महत्या से शहर का सुपारी बाजार सन्नाटे में है। एक तरफ लाखों रुपए का माल उधार देकर वसूली न हो पाना और दूसरी तरफ उनके विरुद्ध आत्महत्या के लिए उकसाने का आपराधिक मामला दर्ज हो जाने से व्यापारी बुरी तरह उलझ गए हैं। आत्महत्या के कारण पीड़ित परिवार की अपनी व्यथा है, वे मानकर चल रहे हैं कि भोला चुग की जान लाखों के लेन देन और उधारी के कारण उपजे तनाव से गई है। यही कारण रहा है कि FIR में आरोपी व्यापारियों के नामों की सूची बहुत लंबी है। माना जा रहा है कि आत्महत्या के कारण इस परिवार का बेटा उधारी देने से बच सकता है और वे व्यापारी जो कच्चे में उधारी का माल देकर व्यापार करते थे वे अब पैसे के नुकसान के साथ साथ कानूनी लपेटे में भी आ चुके हैं। हालांकि FIR में जिन व्यापारियों के नाम हैं वे आधे अधूरे हैं जिनका कानूनी तौर पर पीड़ित पक्ष को नुकसान होगा, लेकिन एक बात साफ है कि आत्महत्या का कारण बड़ी देनदारी से उपजा तनाव था। एक बात बड़ी साफ तौर पर सामने आ रही है कि पीड़ित पक्ष जो कि लाखों रुपए का देनदार भी था उस पक्ष ने आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध जो FIR दर्ज कराई है उनमें भर भर कर 18 नाम है जिनमें अधिक से अधिक लोगों को फंसाने की भी कोशिश की गई है। भोला चुग का आत्महत्या से पूर्व का वीडियो मार्मिक तो है लेकिन ऐसा न हो कि इस मर्म के कारण कोई निर्दोष बिना वजह कानून के शिकंजे में न फंसे। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए पावर ऑफ 1 न्यूज को फॉलो कीजिए।